अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। तर्जुमा: जब रूहें जिस्मों से मिला ली जाएंगी और जब उस बच्ची से जो जिंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह की सबब कत्ल की गई। शहद की झीलें फैली हैं, दूध की नदियां बहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, चिड़िया नगमे गाती हैं, सखियां गीत सुनाती हैं, सखियां गीत सुनाती हैं, हमद सनाएं होती हैं। मैं झूलों में झूल रही हूँ, हूरों के सब खेल रही हूँ, मैं जन्नत में खुश हूँ। हेलो मम्मी, बोलो। डैडी मेरे कैसे हैं, पापा बाजी भैया मुन्ना, घर में सारे कैसे हैं, बोलो मम्मी, बोलो मम्मी। धरती अंबर चांद सितारे, दुनिया कैसी लगती है, सोना जगना हंसना रोना, ये सब कैसा लगता है, कैसा लगता है। बोलो मम्मी। रिश्ता अपना मैं खुद लाती और कैसा थोड़े खाती, जिस मालिक ने तुमको दिया था सबको दिया था वो मुझको भी दे देता। हेलो हेलो, बोलो मम्मी। मैं दुनिया में चंद में रहती, कौन सी आफत तुम पर आती, लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने का हक छीन लिया, पेट में अपने तुमने मुझको बोलो कैसे कत्ल किया। मैं जन्नत में खुश हूँ लेकिन याद तुम्हारी आती है, ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है, ये बतलाओ क्या तुमको भी। अरे मम्मा, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें दुगना अजर मिले? दुगना अजर वो कैसे? गरीबों को दिया जाने वाला सदका सिर्फ सदका है, लेकिन जब रिश्तेदारों को दिया जाए तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो सदका देना और दूसरा रिश्तेदारी निभाना। इसी तरह ये दुगने अजर का मौजिद है। अच्छा हुआ कि आपने मुझे बताया, वरना मैं क्या कर गुजरती। मुझे पड़ोसियों के हुकूक के ताल्लुक से एक हदीस याद आई कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है जो ज्यादा इबादत करती है, रोजा रखती है, सदका करती है, लेकिन अपने पड़ोसियों से झगड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नम में जाएगी। उस आदमी ने फिर कहा कि एक औरत और है जो कम इबादत करती है, सदका करती है, लेकिन अपने पड़ोसियों से नहीं झगड़ती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत में जाएगी। इसीलिए हमें भी अपने पड़ोसियों के हुकूक अदा कर लेने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने कितनी अच्छी बातें सीखी। फिर जब मिलेंगे तब भी ऐसी ही बातें सीखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लोग तो जब मजलिस में बैठते हैं तो ज्यादातर अपने वक्त गीबतों में जाया करते हैं। अल्लाह के फजल से हमने हमारा अच्छी बातों में गुजारा है। चलो अब मजलिस की कफारे की दुआ पढ़ते हैं। मजलिस की कफारे की दुआ? वो क्यों? ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जब भी वो किसी मजलिस से उठने से पहले मजलिस की कफारे की दुआ पढ़ लेते थे। इसी तरह ये हमारे गुनाहों के माफी का भी जरिया बन जाता था। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
आहा।